बाइक निकाल ली। बाइक जब निकालता ना मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, ऐसे धीरे धीरे धूप बढ़ रही है, पर दुआ यही करता हूँ कि धूप कम हो, गर्मी कम हो, बिकॉज हेलमेट ना भट्टे की तरह सर ऐसे गर्म हो जाता है ना, पता नहीं क्या बताऊँ। आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही स्पेशल है, इंटरेस्टिंग से ज्यादा स्पेशल है, बिकॉज टुडे इज 16th of May एंड टुडे इज माई फादर पिताजी उनका बर्थडे है, और उनका बर्थडे है तो इसका ये मतलब है पहले उनको कॉल करते हैं और पूछते हैं उनका बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए। कॉल हिम अप। हाँ जी बर्थडे बॉय। हाँ जी बॉस। क्या चाहिए आपको बर्थडे पे? कुछ नहीं चाहिए। बताओ यार, पैसा बहुत है, आपको क्या गिफ्ट चाहिए? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं लेना। अरे बताओ यार, सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। क्या पसंद है आपको? परफ्यूम, वॉच, पेन? कुछ नहीं पसंद, कुछ नहीं पसंद, सुनो मेरी बात, कुछ नहीं, डोंट वेस्ट मनी, जब जरूरत होगी तब मैं बताऊंगा क्या लेना है। तो जरूरत तो कभी पड़ती नहीं, वो तो हम एक घड़ी 10 बार पहन सकते हैं। अरे तो मुझे ये बताओ, सुन मेरी बात, पहले बताओ को गिफ्ट में क्या चाहिए। नहीं चाहिए करेंगे प्लीज बेटा। पापा यार ऐसे नहीं यार, एक सुंदर सा कार्ड दे देना फिर। सुंदर सा कार्ड? पापा आपको लगता है मैं सुंदर सा कार्ड बनाने वाला हूँ यार? नहीं कार्ड बनाना नहीं है, हर चीज से तो लेने देना। कैसी बातें करते पापा, चीज मांग रहा हूँ वो तुम दे दी रहे। आपको पता है मैं हर चीज तो जानने वाला, कार्ड लेने गिफ्ट बताओ। हाँ बताओ। तो भाई देखो, वो तो बताने नहीं वाले क्या चाहिए, बट मुझे पता है उनको क्या पसंद है। बाइक वॉश करवानी है बिकॉज बाइक गंदी हो गई है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था बाइक वॉश करानी थी बट नहीं करा पाया, तो लेट्स गो गेट द बाइक वॉश डन। एंड पावर है? पावर गिव मी पावर। सारे बोरिंग काम खत्म हो गए, वॉश करवानी थी, फ्यूल डलवाना था, हवा भरवानी थी, सब हो गया है। हवा पुराने टायर में भरवाई है बिकॉज टायर चेंज करने का भी यार टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली थोड़ा दूर है, बट फिलहाल तो हम दिल्ली ही जा रहे हैं बिकॉज मुझे कुछ और काम है। एंड डैडी जी को एक छोटा सा सरप्राइज़ देना है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया उनको दो चीज़ें पसंद है, एक तो पसंद है वॉचेज, एक पसंद है पेन, तो हम देखने जा रहे हैं पेन। एंड ये मैं तेज़ तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी किसी ने कमेंट करके बताया भाई आप धीरे बोलते हो तो आपके ब्लॉग्स बोर्डिंग लगते हैं, तो हम तेज़ तेज़ बोला करेंगे। वैसे मैं आदत नहीं है तेज़ तेज़ बोलने की, बट अब हम तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश कर देंगे और हम इससे खुद इरीटेट हो रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि लोग भी समझे कि यार सबका अपना अपना एक तरीका होता है बात करने का, हमारा तरीका थोड़ा स्लो है, बट ठीक है जैसे आपको अच्छा लगे हम वैसा करेंगे, तो हम तेज़ बोलेंगे। बाकी अपने फीडबैक आप लोग कमेंट में देते रह सकते हैं भाई, ज़रूर ध्यान रखें। ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, फुल स्पीड मतलब रॉन्ग साइड, एंड आंधी का तूफान आते हुए बिकॉज मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। भगवान एक्सट्रीम ही करता है भाई, ये नहीं कि एक बीच का मौसम होना चाहिए, जैसे कि अभी ये काले बादल सामने हैं बट ये देखो साफ। एंड भाई अपना ट्रिप का भी सीज़न ऑन हो गया है, प्लानिंग शुरू हो गई है, तो मैं प्लानिंग नहीं अब सीधा फाइनल बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो टाइम आने में बताऊंगा। भाई अभी हम जा रहे हैं GK एम ब्लॉक मार्केट और एन ब्लॉक मार्केट, पता नहीं ये MN में हमेशा कन्फ्यूजन चलता रहेगा जब तक GK जाते रहेंगे। एंड साथ के साथ यार कुछ यूनिक चीज़ें हैं, क्योंकि जिस बंदे से मैंने बात करी थी मैंने पूछा था भाई आपका पेन 10,000-5,000 के तो है ही, कुछ एक्सक्लूसिव पेन है, कहता सर ऐसे ऐसे पेन है जो लाखों में है। मैंने कहा भैया देखो सिग्नेचर हमने ऑटोग्राफ देने हैं, बट इतना महंगा ऑटोग्राफ हम खुद साइन करके खुद ही अपने पास वो इंक रख लें, क्योंकि भाई 1-1 लाख की क्यों इंक वेस्ट करें। जोक सपाट यार, ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, ऑडी A6 एंड ये आई थिंक सबसे लेटेस्ट वाली है, बहुत ही प्यारी लगती है भाई, बहुत प्यारी, मतलब 8 और इसमें ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। ये देखना आ रहा है, आ रहा है। तो गाइज आई फाइनली रीच GK एंड ब्लॉक मार्केट, एंड जिस चीज़ के लिए आया हो ना, ये पीछे शॉप का नाम है मकोबा, एंड मैंने काफ़ी सुना था इस शॉप के बारे में दैट इट स्पेशलाइज इन पेन्स वगैरह, एंड भाई एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ है जो मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी। लाइक आई हर्ड कि देर आर एक्सपेंसिव थिंग, मतलब वॉचेज एक्सपेंसिव होते हैं, रोलेक्स वगैरह ब्रांड्स आते हैं, बट देन यहाँ पे ऐसे ऐसे पेन है जो 50,000 से ऊपर है, एंड एक तो ऐसा पेन है जो वो दिखाने को रेडी है विच इज़ अराउंड 2 लाख रुपीज़, एंड इसके अलावा भी स्पेशल कलेक्शन है, बट दे वो अंदर जाके बात कर। भाई मेरे साथ है अभी दोनेश, हाय। सो ही इज गोना टेल मी अ लिटिल मोर, पहले तो आई थिंक वी विल सी द 2 लाख वाला पीस सबसे पहले, बिकॉज ये सबसे महंगी चीज सबसे पहले दिखाता हूँ। ब्रांड कॉल्ड पार्कर, सो एज यू कैन सी सूटकेस की तरह लगता है ये, क्योंकि ये पेन जो बना है ये ट्रैवलर्स के ऊपर बना है, सो इट्स बेसिकली द ट्रैवलिंग एडिशन ऑफ पार्कर। लेट्स सी व्हाट ऐसा क्या है भाई 2 लाख। सो इसके साथ यू गेट एन इंक बॉटल
Okay. And a pen. Okay. The pen is limited to 1300 pieces only. Only 1300 pieces. Only 1300 pieces worldwide. अब this is one of the reasons कि ये 2 लाख का क्यों है and इसमें number भी होगा ना like which piece number is this? इसके ऊपर number भी है. This is piece number 54. So generally जो limited editions बनते हैं उनपे generally they mention the product number like the serial number जिस order में the pens have been rolled out and this is 54. When you open the pen, it is an 18 karat solid gold nib which they make. अच्छा तभी the price also goes up because of this as well. Yeah. देखो superbikes is one thing but then सबके अपने-अपने interests होते हैं and this is one of them. इसके अलावा भी और सारे pens हैं मैंने सोचा सबसे महंगा वाला सबसे पहले दिखाता हूँ and then there's one more which brand is this? This is a brand called Fisher Space. And ये कितने का है? Speciality about this pen is that this pen writes in space. Underwater, any degree, any temperature, any angle. तो ये वो three idiots वाला चतुरा. Kind of. So वो fictional story थी. वो fictional story थी कि वो pen space में लिखता है. But this is the actual pen. And what's the cost of this one? 13,000. Nice. And you can also write on the glass. There's one more feature left. हाँ. You cannot finish the ink of this pen in your lifetime. मतलब? It's a lifetime pen. इसका इंक कभी भी नहीं खत्म होता तो मैंने दो यूनिक पेन्स तो दिखा दिए बट देन देयर इज वन मोर पेन व्हिच इज फॉर 1 लाख हाउ मच 39000 1 लाख 39000 एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी इसमें दिस इज आल्सो अ लिमिटेड एडिशन पेन बट इट्स नॉट नंबर्ड बेसिकली ओके दिस इज अ ब्रांड कॉल्ड पेलिकन फ्रॉम जर्मनी इफ यू सी द लोगो ऑन द टॉप इट्स अ स्वान ओह नाइस इट्स अ स्वान लोगो दैट्स देयर ब्रांड्स लोगो तो भाई जो लोग पैशन रखते हैं दे कैन ओनली अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन एंड टर्म्स तो ठीक है अब डैड के लिए कुछ पेन शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड देन आई विल शो यू कि मैंने क्या खरीदा भाई काफी रिसर्च के बाद मुझे ये पेन पसंद आया दिस इज बाय अ ब्रांड कॉल्ड शेफर यूएस का ब्रांड है एंड फाउंटेन पेन है एंड मुझे निब काफी सही लग रही है तो अपनी अनबॉक्सिंग तो यही हो गई है दूसरी ऑफिशियल अनबॉक्सिंग घर जाके करेंगे अभी इसको पैक करवाते हैं भाई पैसा खर्चा पेन शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है ना बट जस्ट कम हियर टू ईट समथिंग बिकॉज बहुत दूर जाना है तो उससे पहले कुछ खा पी के निकलेंगे एंड अभी ऑर्डर करा है हेल्दी चिकन एंड मस्टर्ड सैंडविच कोल्ड चिकन एंड मस्टर्ड सैंडविच एंड साथ में कोल्ड कॉफी के बिना तो भाई एनर्जी क्या मतलब आई डोंट नो कितने कॉफ़ी एडिक्ट्स हैं मुझे चाय भी बहुत पसंद है चाय शाम को पसंद है बट कभी अगर एनर्जी पे लो हो ना कॉफ़ी से यार अलग ही हो जाता है और साथ में चॉकलेट सिरप हाँ हाँ तो लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है वेरी नाइस ये एक्सप्रेशन देख के मुझे फूड ब्लॉगिंग डेज याद आ रहा है करेंगे बहुत जल्द एक फूड ब्लॉग भी करेंगे तो भाई देखो अपनी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट एंड अब कुछ लोगों के हिसाब से ये पेन महंगा हो सकता है कुछ लोगों के हिसाब से पेन सस्ता हो सकता है भाई देखो एट द एंड अ गिफ्ट इज अ गिफ्ट तो इट इज़ अप टू यू अलग बात है कि थंबनेल में वो 2 लाख वाला पेन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि भाई देखो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ती एंड थंबनेल में वो डलेगा तभी थोड़ा व्यूज़ ज़्यादा आएगा बट जोक्स अपार्ट यार दैट वाज अ वेरी यूनिक पेन एंड अ वेरी नाइस पेन आई थिंक ऐसे पैसे वही स्पेंड कर सकते हैं हु आर एक्चुअली हु आर फॉन्ड ऑफ पेन्स एंड हु हैव अ पैशन फॉर पेन्स हैप्पी बर्थडे तो बांध ले दे रुक जा खोलो रुको ना एक मिनट अरे यार रोमी बहुत पैसा खर्च हो गया थैंक यू क्या लाया है करण ये व्हाट इज दिस खोल के देखो थैंक्स अ लॉट बट व्हाट इज इट यू गॉट अ पेन करण आई हैव अ 28,000 रुपीस पेन यार थ्री इडियट्स में नहीं होता मेरी 35,000 की शेरवानी थैंक्स करण लवली थैंक्स तो दो आई लव यू देख तो लो यार ब्यूटीफुल नाइस ओह वाओ लवली यार अच्छा रिएक्शन तो दो अच्छा एक मिनट पहले बंद कर देगा तो खूब आदमी है 35,000 का है आर यू स्टूपिड You go and return this. What is the? I have not opened this. देखो बार 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 दिखाई show off. मैं तो खोला नहीं है पेन अभी तक. हाँ ये मैंने देखा था ब्रांड वहाँ पे. 28,000 का पेन है बेटा ये. चलो ये मैं रख लेता हूँ ये रख लो. ये कितने का है? ये 4,000.
ये 28 वाला मुझे दे दिया आपने, अब ये रख लो। ये कितने का है सीरियसली बता? 4000 का। मेरी कसम का, बिल दिखाऊं? हां दिखा। मेरा बजट पहले बिल दिखा। मेरा बजट जितना उतने में लिया। तो वैसे मुझे पता नहीं था ये 28000 का पेन है, मैं भी देखूं ऐसा क्या पेन है ये। तो ये कोई पता नहीं करण डी अच्छे भाई, ये ब्रांड है करण डी अच्छे, एंड ये 28000 रुपए का पेन है, अभी तक खोला नहीं है इनने। अब देखते हैं इसमें क्या, खोल दूं मैं क्या? ही होगा, पेन्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, इन्हीं को इंटरेस्ट है पेन्स में। तो भाई आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अभी प्लान ये है कि अभी हम जाएंगे डिनर के लिए, एंड उससे पहले मैंने सोचा व्लॉग एंड करते, बिकॉज मैं सोच रहा था कि व्लॉग करूंगा, बट देन ठीक है थोड़ा फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों से जो शेयर करा, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करना। तो भाई इसी के साथ करते हैं हमारा आज का व्लॉग एंड। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, उससे आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।